हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर सोशियोलॉजी सीरीज. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप्स. सो दिस इज़ अ मेथडोलॉजिकल टूल विच वेबर यूज्ड इन हिज सोशियोलॉजिकल रिसर्च. सो व्हाट इज़ आइडियल टाइप एंड हाउ इट इज़ यूजफुल एंड हाउ वेबर यूज्ड and what are the questions that UPSC ask that we are going to discuss in this video. Guys, I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS officer and I scored 298 in sociology. And if you want the notes of the sociology series chapters or videos, then you can join the Telegram channel. That description is given in the comment section. So these are the previous year questions regarding ideal types which UPSC has already asked. So in 2006 they asked a very simple question. They asked a short note concept of ideal type and its limitations. Then they didn't ask this question for next 5 years. Then in 2011 they asked define ideal types and explain Weber's concept of Verstehen for understanding of social phenomena. So in the previous video we have already discussed about Verstehen in detail. In simple, we can say that Verstehen is empathetic understanding of any social reality. So that is basically idea of Max Weber. That was in asked in 2011. In 2014 they asked how does Weber use the notion of ideal types in his theory of bureaucracy. So basically Weber ka jo jitna bhi work hai regarding bureaucracy, regarding religion and capitalism, or regarding authority. सो उस सब में जो है वो वेबर ने आइडियल टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है. सो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट इथिका, उसमें आइडियल टाइप को कैसे यूज़ किया. जो ब्यूरोक्रेसी पे जब हम अलग से डिस्कस करेंगे उस वीडियो में जो हम इस वाले क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे. इन 2015 द वेरी नेक्स्ट ईयर दे आस्क विच कॉन्सेप्ट डिड वेबर यूज टू एनालाइज द फॉर्म्स ऑफ लेजिटिमेट डोमिनेशन. इस बार जो इन्होंने अथॉरिटी, जो टाइप्स, थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी वेबर ने बताई थी, उस पर इसी सेम क्वेश्चन को पूछ लिया. एंड इन 2016 दे आस्क अनदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जामिन वेबर्स मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च. तो इसका भी आंसर यही है कि वेबर ने जो मेथड यूज़ किया था, दैट मेथड इज ऑफ आइडियल टाइप्स एंड हाउ इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी, वो जो है वो हम डिस्कशन के दौरान देखने वाले हैं. तो सबसे पहले जो है वो हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं आइडियल टाइप्स को. वॉट आर आइडियल टाइप्स? सो ये जो पहला जो स्टेटमेंट है, जो पहला जो सेंटेंस है, इससे जो है वो काफ़ी कुछ हमें क्लियर हो जाता है और इसके बाद का जो भी डिस्कशन है दैट इज़ लाइक इलाबोरेशन ऑफ दिस. सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर आइडियल टाइप इज़ ए मेथोडोलॉजिकल टूल, एक ऐसा मेथोडोलॉजिकल टूल है इन विच अ सर्टेन मॉडल और कंस्ट्रक्ट ऑफ द रियलिटी टू बी स्टडीड इज फॉर्मुलेटेड बाय द रिसर्चर बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ दैट फिनोमिना. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन वेरी सिंपल टर्म्स. एक रिसर्चर है जिसको किसी भी सब्जेक्ट पे रिसर्च करनी है, किसी भी सब्जेक्ट को उसको पढ़ना है, वो किसी भी फिनोमिना पे जो रिसर्च करना चाहता है, उस रियलिटी को जो है वो एनालाइज करने के लिए, उस रियलिटी को समझने के लिए, वो जो है वो उसके जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स जो होंगे, कोई भी जो फिनोमिना है, फॉर एग्जाम्पल आपका रिलीजन है, तो रिलीजन का जो फिनोमिना है उसको अगर आपको पढ़ना है, उसके बारे में अगर आपको समझना है, तो जो उसके जो प्रोमिनेंट फीचर्स है उनका एब्स्ट्रैक्शन किया जाएगा और जो एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा दैट इज़ बेसिकली नोन एज आइडियल टाइप. सो आइडियल टाइप इज़ ए मेथडोलॉजिकल टूल इन विच अ सर्टेन मॉडल और कंस्ट्रक्ट ऑफ द रियलिटी टू बी स्टडीड इज फॉर्मुलेटेड बाय द रिसर्चर बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ दैट फिनोमिना. सो इट बेसिकली हेल्प्स इन कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. So when you want to compare two things, when you want to compare religion in Asia and religion in American society, these type of things, the concept of ideal type is used and it is useful. So then we can say that ideal type is a mental construct because jo researcher hai wo apne dimag mein create karta hai, iska reality mein existence nahi hota hai. Like a model for the scrutiny and systematic characterization of a concrete situation. So basically कोई भी social reality जो है वो Max Weber का मानना था कि कोई भी reality जो होती है वो बहुत complex होती है, उसको simplify करने के लिए, उसको analyze करने के लिए आप जो है वो उसको उसकी pure form में ले जाओ, उसकी ideal form में ले जाओ, और उसके बाद में जो है वो आप उससे जो भी कोई deviance होता है आप उससे उन चीज़ों को compare करो, तो आपको जो है वो social reality के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा. अदरवाइज जो आप चीज़ों को कन्फ्यूज कर जाओगे और आप किसी भी जो है लॉजिकल निष्कर्ष तक या लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाओगे. सो ही यूज्ड आइडियल टाइप एज अ मेथोडोलॉजिकल टूल
to understand and analyze the social reality and he was particularly concerned with the problem of objectivity in social research. इसके पहले जितने भी थिंकर्स थे, यानी कि ऑगस्ट कॉम्ट है आपका, मेनली जो पॉजिटिविस्ट थिंकर्स थे, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कीम और इवन इंक्लूडिंग कार्ल मार्क्स, एवरीबडी दे वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड दे सेड सब्जेक्टिविटी जो है, या जो सब्जेक्टिविटी का जो है वो सोशियोलॉजी में कोई रोल नहीं होना चाहिए. बेसिकली जो आपने फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी की जो एक डिबेट अगर आपने पढ़ा होगा, तो अकॉर्डिंग टू दीज अर्ली थिंकर्स, उनके अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज का सोशियोलॉजी में कोई रोल नहीं है. जो भी रिसर्चर है उसकी पर्सनल वैल्यूज, उसके पर्सनल बायसेज जो है वो उसको स्टडी को अफेक्ट नहीं करने चाहिए. वेबर वॉज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, बट ही सेड आपको सोशियोलॉजी को जो है या सोशल साइंसेज को जो है वो ऑब्जेक्टिव तो रखना है, तभी जो है वो उनकी एक लेजिटिमाइज एक स्ट्रीम वो बन पाएगी. बट इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो आप वैल्यूज़ को कम्प्लीटली सेपरेट कर दें उससे, और उसके लिए जो है वो आपको कॉमन सेंस को भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको जो है वो वैल्यूज़ को भी यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन आप उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए भी कैसे ऑब्जेक्टिव रह सकते हो, इसके लिए जो है वो आपको आइडियल टाइप्स बनाने पड़ेंगे उसके किसी भी प्रॉब्लम के, और आइडियल टाइप्स को यूज़ करते हुए जो है वो आप सोशियोलॉजी को भी जो है ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सकते हो. सो ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप एज अ मेथोडोलॉजिकल टूल दैट लुक्स एट रियलिटी ऑब्जेक्टिवली. सो दिस इज आई थिंक वेरी मच क्लियर. देन ही सेड दैट आइडियल टाइप्स आर हेल्पफुल इन स्क्रूटिनाइजिंग एंड क्लासीफाइंग, सिस्टमेटाइजिंग एंड डिफाइनिंग द सोशल रियलिटी विदाउट सब्जेक्टिव बायास दैट आई हैव ऑलरेडी एलाबोरेटेड. The ideal type has nothing to do with values, because sociologist जो है वो अपनी values भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने साथ carry forward करते हैं, वो completely जो है उसको हटा नहीं सकते हैं. But that doesn't mean कि उनका जो ideal type से कोई लेना देना है, इनका कोई लेना देना नहीं है. Its function as a research tool is for classification and comparison. This is the main crux of the matter. आप जो वो चीज़ों को classify करने के लिए, चीज़ों को compare करने के लिए जो ideal type को use करते हो. In other words, ideal types are concepts formulated on the basis of facts collected carefully and analytically for empirical research. So in this sense, we can say that ideal types are constructs or concepts which are used as a methodological device or tool in our understanding and analysis of the any social problem. So this is basically idea of Max Weber for defining ideal types. तो जब इतना हमें को क्लियर हो गया है, अब हम देखते हैं कि ideal types को जो है construct कैसे किया जाता है. So basically ideal types, they are formulated by the process of abstraction and combination of indefinite number of elements which though found in reality but they are rarely or never discovered in a specific form. For example, अभी हम example के साथ इस statement को समझने की कोशिश करेंगे. But before that, he said that for the construction of ideal types, the sociologist select a certain number of traits of the whole which is otherwise confusing or obscure to constitute an intangible entity. यानी कि जो social reality जो होती है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, वो जो है वो उसको अलग अलग क्लासिफाई करना, अलग अलग कैटेगराइज करना इतना आसान नहीं होता है. तो इस जो कन्फ्यूजन जो है, ये जो ऑफस्केशन जो है वो इसको दूर करने के लिए आप जो है कोई भी जो एक सोशियोलॉजिस्ट जो होता है वो उसके जो सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेट्स जो है, जो पर्टिकुलर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनको जो है वो चेरी पिकिंग करते हैं और हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हीं ट्रेट्स को स्टडी करते हैं जिनका जो है उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में डायरेक्टली कोई रोल होता है. सो If we consider the example of democracy in any country or in particularly in context of India, तो democracy का ideal type अगर हमको define करना है, तो उसके लिए जो है वो कोई भी sociologist जो इसको study करेगा, what he will do, he will mention some of the essential characteristics of the democracy. For example, existence of a multi-party system. कोई भी democracy है उसमें multi-party system होना चाहिए, universal adult franchise होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाई पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए. सो दीज आर फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. तो ये जो है वो जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की डेमोक्रेसी में हो, लेकिन ये जो है वो आइडियल कंडीशंस जो हैं, जो अलग अलग कंट्रीज की उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उससे जो है वो चेरी पिक किया गया है. और इसके बाद में जो एक आप अगर इन सारी चीज़ों को मिला देंगे, देन यू विल रीच टू द आइडियल टाइप ऑफ अ डेमोक्रेसी. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट करना था, जब डिज़ाइन करना था, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर, सो वॉट दे डिड, दे चोज
जो गुड प्रैक्टिसेज जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज में, तो जो अलग अलग कंट्रीज के जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अच्छे जो ट्रेट्स जो हैं डेमोक्रेसी के, उनको चूज किया गया और फिर उनको जो है वो एक सिस्टमेटाइज किया गया. सो बेसिकली जो काम मैक्स वेबर ने थियोरेटिकली किया था सोशियोलॉजी में, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क बी आर अम्बेडकर डिड टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो आप जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल के साथ आइडियल टाइप को जो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. सो आई थिंक नाउ दिस सेंटेंस इज क्लियर दैट आइडियल टाइप्स आर फॉर्मुलेटेड बाई द एब्स्ट्रैक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अलग अलग कंट्रीज से एलिमेंट्स उठा लिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं, जो प्रेजिडेंट का इलेक्शन का सिस्टम है वो कहाँ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ हैं अलग अलग कंट्रीज में, विच दो फाउंड इन रियलिटी, वो अलग अलग जगह पे है बट आर रेयरली और नेवरली डिस्कवर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्म. सारे जो हैं वो एक जगह मिलना मुश्किल होता है. सो बेसिकली इन दिस वे वेबर एक्सप्लेन्ड दैट आइडियल टाइप्स आर कंस्ट्रक्टेड. सो द फॉर्मुलेशन ऑफ प्योर फॉर्म और एन आइडियल टाइप कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विल गाइड अस एंड वर्क एज अ टूल इन आवर एनालिसिस. अब अगर हमको डेमोक्रेसी को स्टडी करना हो कि उसमें क्या क्या डिविएशन है, किसी कंट्री में डेमोक्रेसी किस हद तक सक्सेसफुल है नहीं है, तो उसके लिए जो है हमें पहले आइडियल टाइप उसका डिफाइन करना पड़ेगा, तो जो हमारा एनालिसिस जो होगा वो ईजी हो जाएगा. जब हमें जो एक स्टैंडर्ड टूल जो पता होगा कि हमारा लैंडमार्क कहाँ है, हमें अपने आप को कहाँ एंकर करना है, जब हमें एक एंकरेज पॉइंट मिल जाता है तो हम जो एनालिसिस जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है, रादर देन हम बिना सिर पैर के जो इधर उधर चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं, तो उससे जो हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुँचते. सो एनी डिविएशन फ्रॉम और कन्फॉर्मिटी टू इट विल अनफोल्ड द रियलिटी. आइडियल टाइप्स देयरफॉर डू नॉट रिप्रेजेंट द कॉमन और एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स बट फोकस ऑन द टिपिकल एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बाय मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट कि आइडियल टाइप्स जो ऐसा नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना का इन जनरल क्या होता है या इन एवरेज क्या है. दिस इज़ नॉट एवरेज ऑफ एनीथिंग, दिस इज़ हाईएस्ट और प्योर फॉर्म ऑफ एनी सोशल फिनोमेना. तो हम जो है वो हमारे इसी वीडियो में जो है वो प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में कैसे मैक्स वेबर ने जो है वो प्रोटेस्टेंट इथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म या कैपिटलिज्म को जो है वो एक आइडियल टाइप तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया, वो हम जो है वो इसके बाद में देखेंगे. वेबर यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट एंड यूपीएससी जो है मुझे लगता है पिछले 4-5 साल से क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर जो आप या इसी साल या नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाउ वेबर यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप इन हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन फ्रॉम वेरियस हिस्टोरिकल राइटिंग्स. अगर हम इन ब्रीफ जानना चाहें कि उसने कैल्विनिस्ट इथिक को कैसे डिफाइन किया, सो ही चोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैल्विनिस्ट रिलीजन फ्रॉम डिफरेंट हिस्टोरिकल राइटिंग्स एंड इन्वॉल्व दोज कॉम्पोनेंट ऑफ कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रिन्स विच वेबर आइडेंटिफाइज एज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटलिस्ट स्पिरिट. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे जो आप सिर्फ इसको छोड़ दीजिए. आइडियल टाइप्स आर दस अ सेलेक्शन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स सर्टेन ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिस्टिंक्टिव एंड रेलिवेंट टू द स्टडी अंडरटेकन. नाउ वी विल सी फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टाइप्स. ये जो है वो मैं आपको बहुत ब्रीफली जो है वो रीड आउट कर देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है. ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि दे आर नॉट एवरेज टाइप्स ऑफ एनीथिंग, दे आर नॉट डिफाइंड बाई द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू द ऑल फिनोमिना बट दे आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टिपिकल ट्रेड्स विच आर एसेंशियल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ विच आर एसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडियल टाइप कॉन्सेप्ट. हमें जो हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसके लिए रेलिवेंट कौन कौन से ट्रेड्स है वही हम उठा के देखेंगे. हम जो उसके जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 50 अगर किसी फिनोमेना की 50 कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलीजन है, रिलीजन मल्टी डायमेंशनल होता है, उसके 50 अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, लेकिन हम सारे ट्रेड्स को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को देखेंगे जो हमारे कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट में जो यूजफुल हैं. नेक्स्ट, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल रियलिटी और दे डू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, दे एग्जिबिट पार्शियल कंसेप्शन ऑफ द होल. सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. दे आर नीदर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डेफिनेट कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी दे आर नॉर अ हाइपोथिसिस बट दे कैन एड इन बोथ डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन. दे हेल्प इन रीचिंग टू द जनरल प्रोपोजिशंस एंड इन कंपेरेटिव एनालिसिस. दिस इज द की दैट दे हेल्प इन कंपेरिजन एंड कंपेरेटिव एनालिसिस. दे आर बेसिकली सर्व एज अ गाइड इन एम्पेरिकल रिसर्च एंड दे आर यूज फॉर सिस्टमेटाइजेशन ऑफ डेटा ऑन हिस्टोरिकल एंड सोशल रियालिटी. नाउ हाउ मैक्स वेबर यूज इन हिज डिफरेंट वर्क्स दैट वी आर गोइंग टू सी. सो अगर ब्रॉडली स्पीकिंग एक सोशियोलॉजिस्ट हैं कॉजर, अगर आप सोशियोलॉजिकल मेथड्स एंड इन सब चीज़ों को देखेंगे, सो बेसिकली ही डिड कैटेगराइजेशन ऑफ यूज ऑफ वेबर्स आइडियल टाइप्स इन थ्री डिफरेंट सेंसेज.
तो तीन डिफरेंट अलग अलग तरीके से जो मैक्स वेबर ने अपने वर्क में आइडियल टाइप्स को जो है वो डिफाइन किया. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट ही प्रिपेयर्ड और ही कंसेप्चुलाइज्ड आइडियल टाइप्स, दोज आर रूटेड इन द हिस्टोरिकल पर्टिकुलैरिटीज़. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव द आइडियल टाइप ऑफ अ वेस्टर्न सिटी, हाउ अ वेस्टर्न सिटी शुड लुक लाइक. देन ही ऑल्सो डिड फॉर दैट प्रोटेस्टेंट इथिक, जो रिलीजन के जो उसने आइडियल टाइप बनाए प्रोटेस्टेंट इथिक्स के. सो बेसिकली इन रियलिटी दिस काइंड ऑफ आइडियल टाइप्स दे रेफर टू द फिनोमेना दैट अपीयर ओनली इन द स्पेसिफिकल हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड इन पर्टिकुलर कल्चरल एरियाज, यानी कि जो हैं वो इन जनरल नहीं है, ये सिर्फ वंस इन ए लाइफ टाइम टाइप वाली चीज़ें हैं. सेकेंड जो है वो उन्होंने आइडियल टाइप्स बनाए ऑफ सोशल रियलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट. द सेकेंड टाइप ऑफ आइडियल टाइप्स रिलेट्स टू द एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ सोशल रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल, ही डिड दिस आइडियल टाइप रिसर्च ऑन ब्यूरोक्रेसी, ऑन फ्यूडलिज्म, ऑन अथॉरिटी, ऑन सोशल एक्शन. सो इस तरह के जो भी हैं वो इसकी सेकेंड कैटेगरी है. एंड थर्ड कैटेगरी जो है वो हैं आइडियल टाइप्स की दैट रिलेट्स टू द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर. सो इस पे जो मैक्स वेबर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट काम नहीं है, बट इन दोनों जो कैटेगरीज हैं इसमें काफ़ी उसका सिग्निफिकेंट वर्क है. आप जानते ही हैं मैक्स वेबर के जो मोस्टली वर्क्स जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड रिलीजियन एंड ब्यूरोक्रेसी. सो दिस टाइप ऑफ सोशल रियलिटी दैट इज़ फाउंड इन द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो है वो इन वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. ये जो आपको ब्यूरोक्रेसी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पे मिल जाएगी, फ्यूडलिज्म जो अलग अलग कंट्री में आपको अलग अलग कल्चरल सेटिंग्स में मिल जाएगा. अब हम मेनली फोकस करते हैं कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट इथिक में जो है वो मैक्स वेबर ने कैसे आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट किए. सो बेसिकली इसने जो है वो दोनों चीज़ों के अलग अलग आइडियल टाइप्स कंस्ट्रक्ट किए और फिर उसके बाद में इन दोनों चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की, दोनों चीज़ों को लिंक करने की कोशिश की कि कैसे जो प्रोटेस्टेंट इथिक जो है, यानी कि जो एक प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन जो होता है दैट इज़ पार्ट ऑफ अ कैल्विनिस्ट रिलीजन. ब्रिटिश सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके की मेन रिलीजन है, वन इज़ कैल्विनिज्म, अनदर वन इज़ कैथोलिज्म. तो ही सेड कि जो कैथोलिस्ट लोग जो हैं, जो कैथोलिस्ट चर्च जो जाते हैं, जो कैथोलिज्म को फॉलो करते हैं, उन कंट्रीज़ में, उन सोसाइटीज़ में जो है वो कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, रादर देन कैपिटलिज्म जो है वो उन लोगों के बीच में डेवलप हुआ जो कैल्विनिज्म को फॉलो करते थे. और कैल्विनिज्म में भी जो एक प्रोटेस्टेंट जो इथिक्स जो है वो एक उनका वे ऑफ लिविंग है, उनका वे ऑफ थिंकिंग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जो जैन कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी में सभी लोग जो है वो बिजनेसमैन है, वो उन सब जो है वो सारे के सारे बिजनेस करते हैं. तो अगर आप जैनिज्म में देखेंगे कि जैनिज्म में एक बहुत जो बेसिक प्रिंसिपल है अहिंसा का, अहिंसा में क्या होता है कि इस लेवल तक जो है वो चीज़ों को एग्जेजरेट किया गया था, या उनकी बिलीव्स, उनके बिलीव्स थे कि अगर आप जो है वो अर्थ में, अगर एक आप प्लो चलाते हैं, आप हल चलाते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो धरती माँ जो है उसके जो है वो एक पीड़ा होती है. उन्होंने जो है वो उस हद तक जो है वो चीज़ों को सोचा. देन दे ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू द जैन कम्युनिटी और वॉट दे फॉलोड द जैन प्रिंसिपल्स, दे डिंट एंगेज इन एग्रीकल्चर, दे एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज़. और ओवर द टाइम जो है उस चीज़ों की वजह से जो है वो ओवरऑल जैन कम्युनिटी जो है दे आर गुड गुड बिजनेसमैन. सो सिमिलरली मैक्स वेबर ऑल्सो कॉन्सेप्चुलाइज्ड दैट कैपिटलिज्म जो है वो उसी कंट्री में ज़्यादा या पहले डेवलप हुआ है जहाँ पे जो है वो प्रोटेस्टेंट इथिक को फॉलो किया गया था. सो वेबर कंस्ट्रक्टेड एन आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म बाय सेलेक्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल होल टू कॉन्स्टिट्यूट एन इनटेंजिबल एंटिटी. ये हमने पहले भी बताया था कि किसी भी जो फिनोमिना है उसका आइडियल टाइप कैसे डिफाइन किया जाता है. तो इसने जो है वेबर ने कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप डिफाइन करने के लिए उसके जो सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो डिफरेंट अलग अलग हिस्टोरिकल टाइम से उसने उठाए. ही शोड दैट देर वॉज ए स्पिरिचुअल अफिनिटी बिटवीन कैल्विनिज्म एंड इकोनॉमिक इथिक्स ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी. फॉर दिस ही आइडेंटिफाइड दोज कॉम्पोनेंट ऑफ कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रीन विच ही कंसिडर्ड एज ऑफ पर्टिकुलर एंड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटलिस्ट स्पिरिट. तो कैपिटलिस्ट स्पिरिट क्या होती है हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे. सो ही चोज ओनली दोज कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रीन. कैल्विनिज्म में जो भी वैल्यूज थी उनकी, जो भी उनके डॉक्ट्रींस थे, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या कैल्विनिज्म में जो है वो डॉक्ट्रींस में वो प्रिंसिपल्स जो हैं जो कैपिटलिज्म को डेवलप करने में हेल्पफुल थे. इसने इन ट्रेड्स को उठाया एंड देन जो है उसके साथ एनालिटिकल बिहेव उसका एनालिसिस किया एंड देन ही रीच्ड टू हिज कंक्लूजन. सो ही सेड दैट द एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू वेबर इज एम्बडेड इन दैट एंटरप्राइज हुज एम इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट
and to accumulate more and more. Basically, this is the idea he said that एक वही एंटरप्राइज सक्सेसफुल होगा जो मैक्सिमम जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न करने की मकसद रखेगा, एंड इसका जो मेन मकसद जो होगा वो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा. दीज आर बेस्ड ऑन द रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन. और ये तभी हो सकता है प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन जब आपका वर्क जो है वो सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो रैशनल तरीके से ऑर्गेनाइज हो जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है. सो इट इज़ द कंजक्शन ऑफ डिज़ायर फॉर प्रॉफिट एंड रैशनल डिसिप्लिन विच कॉन्स्टिट्यूट्स द हिस्टोरिकली यूनिक फीचर ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म. तो यहाँ पर जो है वो कैपिटलिज्म के इसने दो ट्रेड्स बताए, एक जो है वो डिज़ायर फॉर प्रॉफिट, सेकेंड जो है वो डिसिप्लिन, रैशनल डिसिप्लिन. इन दोनों चीज़ों को जो है वो उसने ये कहा कि ये दोनों चीज़ें जो है वो कैल्विनिज्म में पाई जाती है, जो कैल्विनिस्ट जो डॉक्ट्रीन है या जो प्रोटेस्टेंट इथिक है ये उसमें पाई जाती है. द डिज़ायर फॉर प्रॉफिट इज सेटिस्फाइड नॉट बाय स्पेकुलेशन और कॉन्क्वेस्ट बट बाय अ डिसिप्लिन एंड रैशनैलिटी. सो दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ लीगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड रैशनल ब्यूरोक्रेसी. जो आप प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन तभी कर सकते हैं जब आपका जो है वो सारा सिस्टम जो है वो रैशनली ऑर्गेनाइज्ड हो, और उसके लिए जो है वो ब्यूरोक्रेटिक आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है. हैंस कैपिटलिज्म इज डिफाइंड एज द एंटरप्राइज वर्किंग टूवर्ड्स अनलिमिटेड अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू ब्यूरोक्रेटिक रैशनैलिटी. तो बेसिकली ही सेड कि जैसे जैसे धीरे धीरे जो है वो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी, और क्यों पढ़ने लगी वो जो है वो कैल्विनिज्म डॉक्ट्रिन में जो है अभी हम समझेंगे. लेकिन इसने कहा कि लोगों को जब रिक्वायरमेंट फील होने लगी कि हमें जो अपना जो प्रॉफिट्स जो है उसको मैक्सिमाइज करना है, तो फिर जो है वो स्वतः जो है अपने आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की जो है वो डिमांड आ गई, और फिर उसके बाद में जो है लोगों ने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स जो है वो अपने फैक्ट्री सिस्टम और प्रोडक्शन में एस्टैब्लिश किए. उसमें मैनेजर्स होंगे, उसमें वर्कर्स होंगे, वर्कर्स को जो है वो मैनेजर्स की बात को मानना होगा, डिसिप्लिन होगा, डिसीजन मेकिंग जो होगी वो वर्कर्स के पास ना होके मैनेजर्स के पास होगी. सो दिस इज़ बेसिकली द आइडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. He tried to show that there was a close affinity between this type of economic activity and the elements of Calvinist doctrine. अब हम देखते हैं कि Calvinist doctrine को जो Max Weber ने कैसे define किया. He said, according to Calvinist ethic or Protestant ethic, God is all powerful and above all common men. God जो है that is supreme. The people who followed Calvinism, he believed that God is supreme. And the task for a man or the job of a man is to work for his glory or God's glory on earth, and this can be done only through hard work, labor which is rational, regular and constant. यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा दो लाइन में जो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन सिंपल टर्म्स. वेबर सेड कि जो कैल्विनिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग थे उनका ये मानना था कि नेक्स्ट जन्म में जो है, जब नेक्स्ट बर्थ में जो है, गॉड जो है वो सेलेक्टेड लोगों को जो है वो अपने पास बुलाएगा. गॉड विल कॉल सम पीपल. एवरीवन हु इज़ लिविंग दिस लाइफ कैन नॉट रीच टू द ग्लोरी ऑफ गॉड. वो जो है वो सब भगवान तक नहीं पहुंच सकते. तो कोई उसका जो है वो रैशनल तरीका नहीं था कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए. सो एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई गॉड जो है वो ये कह रहा है हमसे कि आप इस जन्म में मैक्सिमम मेहनत करें, इस जन्म में जो मैक्सिमम काम करें, आप जो है जैसे जो गीता का जो सार है फल की चिंता ना करें, कर्म करें. तो सिमिलरली जो है वो अकॉर्डिंग टू कैल्विनिस्ट इथिक जो है, गॉड्स कॉल फॉर इंडिविजुअल और फॉर अ मैन ऑन अर्थ इज़ दैट यू डू योर जॉब रिलीजियसली एंड देन आई विल सेलेक्ट ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग देयर वर्क एफिशिएंटली. सो द कॉलिंग ऑफ द इंडिविजुअल इज़ टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू गॉड थ्रू मॉरल कॉन्डक्ट ऑफ हिज डे टू डे लाइफ वेदर ही इज़ रिच और पुअर. सो एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग for the glory of God. So for him, work is worship and there is no room for idleness and laziness. This specific character of Calvinist belief accounted for the relation between Calvinist doctrine and the spirit of capitalism. So Calvinist doctrine क्या है कि इंसान जो है वो God की glory के लिए काम करेगा. God की glory के लिए काम करने का एक ही तरीका है कि आप maximum काम करें और जैसा कहते हैं कि फल की चिंता ना करें, और आपके लिए कर्म जो है पूजा है, work is worship. और ये जो क्वालिटीज़ थी कैल्विनिज्म की, इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जो है वो कैपिटलिज्म डेवलप हुआ. सो यहाँ पे जो हमने प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को भी जो थोड़ा काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है, बट हमारा यहाँ पे मेन फोकस ये था कि वेबर ने जो है वो कैसे आइडियल टाइप डिफाइन किए. सो ही चोज फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म
कैपिटलिज्म के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन उसने दो मेन ट्रेड्स को लिया, रैशनलाइजेशन ऑफ वर्क एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देन ही चूज सम ऑफ द कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रिन्स। कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रिन में भी जो और 50 चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसने जो है वो सिर्फ दो तीन चीज़ों को लिया कि इंसान जो है वो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से, रैशनल तरीके से जो है वो काम करेगा, उसके लिए जो है वो आइडलनेस एंड लेजीनेस के लिए जो है वो कोई जगह नहीं बचेगी। सो ही यूज सम ट्रेड्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सम ट्रेड्स ऑफ कैल्विनिज्म, एंड उनको जो है वो दोनों को लिंक करके, एंड ही गेव हिज थ्योरी ऑफ प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सो द अफिनिटी बिटवीन द टू एंड द एमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक रिजिम एज डिफाइंड बाय वेबर एग्जिस्टेड ओनली इन द वेस्ट, विच मेड इट अ हिस्टोरिकली यूनिक फिनोमिना। वेबर सेड, ये क्वेश्चन भी जो है वो यूपीएससी पूछ सकती है यहाँ से, वो बिना किसी का नाम लिए भी पूछ सकते हैं इन्वर्टेड कोमास में, दैट कैपिटलिज्म इज अ हिस्टोरिकली यूनिक फिनोमिना विच एग्जिस्टेड ओनली इन वेस्ट, क्रिटिकली एनालाइज। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो ये सोचना है कि ये स्टेटमेंट किसका था, ये स्टेटमेंट वेबर का था, फिर जो है वो आपको पहले इसको सपोर्ट करना होगा। अगर क्रिटिकली एनालाइज बोला है कि वेबर ने क्या कहा, वेबर के अकॉर्डिंग जो है वो कैपिटलिज्म जो सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी में अराइज हुआ, और फिर उसके बाद में आपको अगर कोई आपके पास थिंकर्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि कैपिटलिज्म जो सिर्फ वेस्ट में ही नहीं हुआ, या आप अगर किसी भी थ्योरी को इसको काउंटर करना चाहें, बट माई आइडिया इज़ दैट जो भी थिंकर्स के जो सेंटेंसेज होते हैं यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन बनाती है। एंड आई थिंक यूपीएससी जो है पास्ट में ये क्वेश्चन पूछ भी चुकी है एक बार, दैट कैपिटलिज्म इज अ हिस्टोरिकली यूनिक फिनोमेना विच एग्जिस्टेड ओनली इन द वेस्ट, क्रिटिकली एनालाइज। सो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो है वो आंसर वेबर के टर्म्स में देना है। इन कैल्विनिस्ट इथिक रिलीजियस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंबाइंड इन नो इन सच अ वे दैट इट इज़ नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स, इधर इन कैथोलिसिज्म, जो दूसरा जो धर्म है यूरोप का, कैथोलिक रिलीजियन, और इन एनी अदर वर्ल्ड रिलीजियंस, यानी कि जो भी हिंदुज़म, इस्लाम, कन्फ्यूशनिज़म, दैट इज चाइनीज़ रिलीजियन, जुडाइज़म और बुद्धिज़म। अकॉर्डिंग टू वेबर, ये जो करेक्टरिस्टिक्स जो थी, ये जो कैल्विनिस्ट इथिक जो है, ये दुनिया के और किसी दूसरे धर्म में नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैल्विनिज्म में था। इसलिए जो है वो कैल्विनिस्ट सोसाइटी में जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म शुरू में आया, और फिर उसके बाद में जो है वहाँ से फेल गया। सो वेबर डिड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ऑल वर्ल्ड रिलीजियंस। सो यहाँ से भी जो है वो आपको यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकती है। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशियंट टू डिस्कस टूडे। इन ब्रीफ वी कैन से दैट वी डिस्कस्ड वॉट आर आइडियल टाइप्स, वॉट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ वेबर डिफाइंड आइडियल टाइप्स, वॉट आर द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन और फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियल टाइप्स, एंड देन हाउ वेबर यूज आइडियल टाइप्स इन हिज डिफरेंट स्टडीज। सो आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी इलाबोरेटेड लेक्चर। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने आखिर तक वीडियो देखा है, देन यू प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन दैट हाउ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाई दिस वीडियोज, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, और आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये नोट्स और ये सब सारी चीज़ें चाहिए तो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।